नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया सिंह। शुरुआत करते हैं दिल्ली की 10 बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले आपसे एक जरूरी अपील है। अगर आपने अभी तक द भारत खबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। हमारी खबरों के डेली नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। दिल्ली के कारोबारियों की गुहार। दिल्ली में लगातार कोविड के मामले कम हो रहे हैं। लगभग सभी सेक्टर को खोल दिया गया है, लेकिन नाइट कर्फ्यू की वजह से बहुत दिक्कत हो रही है। कारोबारियों का कहना है कि मार्केट में कस्टमर तो आ रहे हैं, मगर अब इतना वक्त नहीं होता कि उन्हें अटेंड किया जाए। कई बार कस्टमर को वापस भेजना पड़ता है, लेकिन अब नाइट कर्फ्यू में भी थोड़ी ढील दी जानी चाहिए। दुकानों को बंद करने का टाइम बढ़ाना चाहिए। बेशक सरकार सुबह दुकान खोलने का टाइम 11 बजे कर दे, लेकिन रात को 9 बजे तक की छूट मिल जाए तो काफ़ी हद तक परेशानी कम होगी। अभी 8 बजे तक शॉप को बंद करने के आदेश है, इसकी वजह से 7 बजे से ही दुकान को बंद करना पड़ता है। लेकिन अब ऑफिस भी खुल गए हैं, ऐसे में शाम के समय ज़्यादा कस्टमर आते हैं, लेकिन नाइट कर्फ्यू की वजह से काम पर असर पड़ रहा है। सुधरते हालात को देखते हुए नाइट कर्फ्यू को हटा देना चाहिए। दिल्ली में आज से सीनियर क्लासेस के स्कूल खुल रहे हैं। स्कूलों के बारे में फैसला लेने से पहले डीडीएमए की बैठक में बच्चों के वैक्सीनेशन अभियान की रिपोर्ट भी रखी गई थी, जिसके बाद सीनियर और जूनियर क्लासेस के स्कूल खोलने का फैसला लिया गया। रिपोर्ट में बताया गया कि 15 से 18 साल तक के 82% बच्चों को वैक्सीन की पहली डोज लग गई है और अब बच्चों की दूसरी डोज लगनी भी शुरू हो गई है। रिपोर्ट में बताया गया कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 95% स्टूडेंट्स को वैक्सीन लग चुकी है। प्राइवेट स्कूल टीकाकरण अभियान में कुछ पीछे नजर आ रहे हैं। प्राइवेट स्कूलों के 62% स्टूडेंट्स को अभी तक टीका लगा है। अब स्कूल खुलने जा रहे हैं और ऐसे में सभी एलिजिबल बच्चों को जल्द से जल्द वैक्सीन लगाए जाने पर जोर दिया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 1410 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इस दौरान 14 मौतें भी हुई हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण से 2506 लोग ठीक भी हुए हैं। दिल्ली में फिलहाल सक्रिय मामलों की संख्या 8869 है। बता दें कि दिल्ली में शनिवार को कोरोना के 1604 नए मामले सामने आए थे, वहीं 17 लोगों की मौत हुई थी। वहीं शनिवार को कोरोना से 3324 लोग ठीक भी हुए थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने महान गायिका लता मंगेशकर के निधन पर कहा कि भारत में संगीत के एक युग का अंत हो गया है। मंगेशकर का 92 वर्ष की उम्र में रविवार को मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया। वो कोरोना वायरस से संक्रमित पाई गई थी। केजरीवाल ने ट्वीट किया, भारत की स्वर कोकिला महान लता मंगेशकर जी का निधन देश में संगीत के एक युग की समाप्ति है। उनकी सुरीली आवाज़ हम सबके बीच और पूरी दुनिया में सदा अमर रहेगी। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और केजरीवाल कैबिनेट के अन्य सदस्यों ने भी मंगेशकर को ट्विटर के जरिए श्रद्धांजलि दी। कोरोना महामारी के चलते मार्च 2020 से शिक्षा संस्थान बेहद प्रभावित हुए हैं। दिल्ली में कॉलेज को आज से ऑफलाइन क्लासेस फिर से शुरू करने के लिए कहा गया है। दिल्ली विश्वविद्यालय, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, अंबेडकर यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी समेत अन्य कई यूनिवर्सिटीज़ पिछले 2 साल से कोरोना के चलते प्रभावित हुई हैं। हालांकि अब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC से ऑफलाइन परीक्षाओं की इजाज़त मिलने से एक बार फिर से कॉलेजों में रौनक देखने को मिलेगी। UGC ने सलाह दी है कि सभी कॉलेज और विश्वविद्यालय में कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए अपने होम सेंटर पर जल्द आयोजित होने वाले सेमेस्टर के लिए ऑफलाइन परीक्षाएं ली जा सकती हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप UGC की आधिकारिक वेबसाइट UGC.ac.in पर अधिसूचना देख सकते हैं। स्वामी दयानंद अस्पताल में चल रही हड़ताल समाप्त हो गई है। सोमवार यानी आज से सभी डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी काम पर लौटेंगे। डॉक्टर, नर्सिंग और पैरामेडिकल कर्मचारी यूनियन की संयुक्त बैठक में हड़ताल खत्म करने का निर्णय लिया गया है। दरअसल पूर्वी निगम के सबसे बड़े अस्पताल में 1 फरवरी से चिकित्सक 3 महीने के बकाया सैलरी की मांग को लेकर हड़ताल पर थे। इससे पहले खबर आई थी कि निगम हड़ताल पर गए कर्मचारियों पर एक्शन ले रहा है, लेकिन निगम आयुक्त ने इस बात को खारिज कर दिया था। दिल्ली सरकार ने दिल्ली का बजट बनाने में भी लोगों से उनके विचार और सुझाव मांगे हैं। सरकार का मानना है कि दिल्ली वालों के लिए तैयार होने वाले बजट में उनकी राय को शामिल किया जाना बहुत जरूरी है। उनकी राय और सुझावों से ही एक बेहतर बजट तैयार हो सकेगा। CM केजरीवाल ने दिल्ली वालों से पूछा है कि अगले साल आपके टैक्स के पैसों से हम कौन कौन सी योजनाएं लेकर आए, इसके अलावा पुरानी योजनाओं में क्या सुधार किया जाए। बजट से जुड़े विचार और सुझाव भेजने की अंतिम तारीख 15 फरवरी 2022 तय की गई है। फिलहाल अभी तक 15,000 लोग अपने सुझाव दे चुके हैं, मगर सरकार चाहती है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग भागीदार बने। दिल्ली नगर निगम चुनाव को लेकर तीनों निगमों में सियासी पारा गरमाया हुआ है। इन दिनों तीनों निगम में बजट सत्र चल रहा है, जो कि अपने अंतिम दौर में है। इसके बाद 11 फरवरी तक तीनों निगम का बजट पेश हो जाएगा। इस बार निगम का ये बजट इसलिए भी खास हो सकता है क्योंकि कुछ ही महीनों में दिल्ली नगर निगम के चुनाव होने हैं। ऐसे में ये बजट जनता को लुभाने वाला भी हो सकता है। तीनों निगम में पेश किए जाने वाले बजट में इस बार टैक्स को लेकर कोई भी बढ़ोतरी
नहीं की जा सकती और शायद ही कोई नया टैक्स लगे। इसके साथ ही जानकारी के मुताबिक 8 फरवरी को ईस्ट एमसीडी का बजट पेश हो सकता है, तो वहीं 10 फरवरी को साउथ एमसीडी और 11 फरवरी को नॉर्थ एमसीडी का बजट पेश किया जाएगा। पति पत्नी की अनबन में नुकसान हुआ पति का। जी हाँ, पति ने पत्नी को फोन गिफ्ट दिया था, कुछ समय बाद वो छोड़कर किसी दूसरे शख्स के साथ रहने लगी। गुस्से में पति ने झपट मारी की केस कर दी ताकि पत्नी और उसके बॉयफ्रेंड को फर्जी केस में फंसा सके। कमला मार्केट थाने में झपटमारी का केस भी दर्ज हो गया। जिले के स्पेशल स्टाफ ने जांच शुरू की। टेक्निकल सर्विलांस की मदद से फोन जो उसकी पत्नी के पास से मिल गया। पूछताछ में पता चला कि शाहरुख ऑटो ड्राइवर है, जिसकी 2 साल पहले शादी हुई थी। वो अपनी पत्नी के साथ सीलमपुर में रहता था। शाहरुख ने किस्तों पर फोन लेकर पत्नी को गिफ्ट किया था। इस दौरान पत्नी सीलमपुर में ही रहने वाले सलमान के संपर्क में आ गई। वो शाहरुख को छोड़कर उसके साथ रहने लगी और फोन भी अपने साथ ही ले गई। पत्नी और सलमान को फर्जी मुकदमे में फंसाने के लिए पति ने झपटमारी की कॉल की थी। पुलिस ने फोन बरामद कर लिया है और शाहरुख को फर्जी मुकदमा करवाने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली एनसीआर में ठंड और कोहरे का सितम जारी है। मौसम विभाग के अनुसार हालांकि दिन में धीरे धीरे मौसम साफ हो जाएगा और हल्की धूप निकलने की भी संभावना है। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक दिल्ली में 8 फरवरी तक सुबह और शाम में कोहरा छाया रहेगा। इसके बाद मौसम में एक बार फिर से बदलाव होगा और 9 फरवरी को बारिश हो सकती है। इस दौरान काफी ठंड महसूस होगी। आप देख रहे थे दिल्ली की 10 बड़ी खबरें। हमारी बाकी खबरों की अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।